नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए उषा जेनोम ड्रिम स्टिच मशीन फिर से लेके आए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है। हमारे इस टेक्टोनिक्स हिंदी चैनल पे हमने इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले ही डाल दिया था, जिसमें हमने इसके काफ़ी फीचर्स आपको बताए थे। एक एक चीज़ हमने बताई थी, क्या एसेसरीज मिलती हैं, किस प्राइस पर ये अवेलेबल है अमेजोन पर, ये सारी चीज़ें हमें उस वीडियो में देखने को मिल सकती हैं। तो आज हम इस नए वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम इस पर सिलाई कैसे करें। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें बॉबिन की वाइंडिंग करनी होती है। ये प्लास्टिक का बॉबिन हमें इस मशीन के साथ ही मिलता है। थ्रेड मैंने अलग से मंगाए थे, थ्रेड का बॉक्स, तो उसमें ये ब्लैक मैंने थ्रेड लिया है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बॉबिन की वाइंडिंग कैसे करनी है, बॉबिन केस में बॉबिन को कैसे इंसर्ट करते हैं, और थ्रेड स्पूल में हम थ्रेड लगा के कैसे हम किस चैनल से थ्रेड को पास करके निडल में डालते हैं और अपनी सिलाई को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉबिन वाइंडिंग से। वाइंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो अपना हैंडविल होता है उसको हम पुल कर देंगे। देखिए, ये बाहर की तरफ पुल होके लॉक हो गया है। अब हम इसको अपने जो हमारा स्पूल पिन है उसमें हम थ्रेड को फंसाएंगे। अभी मैंने, आप देख सकते हैं, मशीन ऑफ करके रखी है। तो ये सारा काम जब आप कर लें तभी आप मशीन ऑन करें, और फिर उस पर फुट प्रेशर पे पैर रख के आप अपना वाइंडिंग कर सकते हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं कैसे हम मूव करेंगे। तो अब हम इसमें थ्रेड गाइड के थ्रू थ्रेड को पास कर देंगे। ये हमारा थ्रेड गाइड है। ये एक टेंशन देने के लिए यहाँ पे टेंशन गाइड है बॉबिन में, जब हम वाइंडिंग करते हैं तो बॉबिन को। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये प्लास्टिक की बॉबिन है, इसमें हमें आउटसाइड से थ्रेड को डालना है इनसाइड की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये हम आउटसाइड से थ्रेड को पास करेंगे कि ये बॉबिन में हमारी वाइंडिंग हो जाए, और हम यहाँ पे इसको इसके स्पिंडल में फंसाएंगे। ये हमारा स्पिंडल में फंस चुका है। इसको हम थोड़ा सा थ्रेड को पकड़ेंगे, इसको पहले हम पुश करेंगे, ये लॉक हो गया हमारा। अब सारा सेटअप रेडी है। हम इस थ्रेड को थोड़ा सा पकड़ के हम फ्यू टर्न्स लगाएंगे, देन हम इसको काट देंगे, और उसके बाद हम पूरे बॉबिन के इसमें हम थ्रेड को फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम मशीन को ऑन कर लेंगे फ्रेंड्स। हमेशा हम ऑफ पोजिशन में सारे काम करते हैं, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन होते ही ये जो हमारी इनबिल्ट LED लाइट है मशीन में, वो ऑन हो जाती है, जो कि हमें बताती है कि अब आपका मशीन ऑन पोजिशन में है। तो अब हम यहाँ पे इस थ्रेड को पकड़ेंगे और हल्का सा अपने फुट प्रेसर को हम हल्का सा प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि बॉबिन में थ्रेड फिल होना स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम इसे हल्का हल्का प्रेस करके इसको हम फिल कर लेते हैं। हल्का सा आप बॉबिन को पकड़ सकते हैं, वैसे ये स्पिंडल में फंसी रहती है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए हल्का सा आप इसको वो कर सकते हैं कि बाहर ना आए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉबिन का पूरी फिलिंग हो रही है थ्रेड से, जितना चाहें आप सिलाई कर सकते हैं। मुझे अभी इतने की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इतने पे ही स्टॉप कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉबिन से एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा, उसको हम रखेंगे और बाकी को हम कट कर देंगे। अब हमें थ्रेडिंग करनी है अगर सिलाई मशीन में, तो हम पहले तो हैंडविल को पुश कर देंगे। अब ये हमारी वाइंडिंग, बॉबिन की वाइंडिंग में हेल्प नहीं करेगी, अभी हमें मशीन सिलाई में हेल्प करेगी, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट पुश करेंगे। पहले हमने राइट पुश किया था स्पिंडल को, जब हम वाइंडिंग कर रहे थे हमने राइट इसको लॉक किया था। अब हम इसको लेफ़्ट करके अपने बॉबिन को निकाल लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, हम बॉबिन केस में थ्रेड को डालते हैं। जो पहले वाला थ्रेड है उसको मैंने पहले ही काट लेना चाहिए हमें, आप बाद में भी इसको काट सकते हैं। इसको आप निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और ये जो हमारा थ्रेड है ये हमारा ऐसे रहेगा। तो अब हम इसको बॉबिन केस में अपने बॉबिन को फिल करते हैं। आइए, आप सभी को पता है कि बॉबिन केस हमारा यहाँ पे रहता है,
पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक आपको ओपनिंग सी है जिससे आपको बजले की यहाँ से आपको ओपन करना है। इसको हमने ओपन किया, अब ये आप देख सकते हैं ये बॉबिन केस है, ये लैच होता है जो कि ओपन होता है। इसको आप ओपन करेंगे और ये बॉबिन केस आपका बाहर आ जाएगा, ये बॉबिन स्लॉट है। अब हम इसमें बॉबिन को डालेंगे। तो हमेशा फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉबिन केस को इस तरह से किया है, इसको हॉर्न कहते हैं, अगर इस तरह से आपने होल्ड किया है और जो बॉबिन है हमारा वो हम इसको ऐसे डालेंगे कि थ्रेड हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, थ्रेड ऐसे ओपन हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत है। तो हमें हमेशा बॉबिन केस में बॉबिन को ऐसे डालना है कि थ्रेड हमेशा क्लॉकवाइज में ओपन हो। आप देख सकते हैं जब बॉबिन मूव करेगा तो ये ऐसे मूव हो। उसके बाद हम यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग से निकाल के थ्रेड को हम डिलीवरी आई में डाल देंगे। तो ये टेंशन स्प्रिंग से होते हुए थ्रेड को हमें इस डिलीवरी आई में लाना है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। जब हम ये बॉबिन केस से अपने बॉबिन को निकाल दिया है हमने, मैं आपको दिखाने के लिए इसको फिर से दिखा रही हूँ। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये अगर हमने ऐसे होल्ड किया है, हॉर्न और लैच ओपन जो हमारा होता है क्लोज होता है उसको अगर हमने इस पोजीशन में होल्ड किया है तो थ्रेड हमेशा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे और थ्रेड को हम पकड़ के, ये हमारी टेंशन स्प्रिंग होती है, ठीक है। इस टेंशन स्प्रिंग से हम थ्रेड को ला के, ये जो आप देख रहे हो ओपनिंग, इसको हम कहते हैं डिलीवरी आई। इसमें हम अपने थ्रेड को निकालते हैं। ये थ्रेड हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको लैच को ओपन करके मेक श्योर आप यहाँ पे जब केस में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉर्न की कटिंग बनी हुई है, वो हॉर्न की कटिंग उसमें फिक्स होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने ओपन लैच करके इसको घुसाया है अंदर की तरफ और ये हॉर्न हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये बॉबिन हमारा बॉबिन केस में सेट हो गया, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं और अपने थ्रेड को हम पहले लगाते हैं। तो हम पहले ऑफ कर देते हैं फॉर सेफ्टी, पहले हम सारे काम कर लेंगे फिर हम ऑन करेंगे मशीन को। इसको भी हम सेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से, ये हमारा बॉबिन का काम ख़त्म हो गया है। अब आप देख सकते हैं जब हम थ्रेड को लगाते हैं निडल के लिए तो हम स्पूल पिन में अपने स्पूल को डालेंगे, गाइड के थ्रू हम ये लेंगे। यहाँ आप देखिए एरो मार्क बना हुआ है तो हम थ्रेड को यहाँ पे लाएंगे, इस कटिंग में डालेंगे। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए आपको यू टर्न दिया हुआ है एरो मार्क का, तो हम यहाँ पे अपने थ्रेड को लेके यू टर्न लेंगे। उसके बाद यहाँ हमने यू टर्न ले लिया है। अब ये हमारा जो है ये टेकअप लीवर है, ये देख सकते हैं आप, ये मूव होता है। तो ये टेकअप लीवर में आप देखिए कटिंग बनी है, आई जैसी कटिंग बनी है। तो इस टेकअप लीवर के आई से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। ये देखिए आप, वो पास हो चुकी है। अब जब आप नीचे आएंगे, मैं लाइट को ऑन कर देती हूँ मशीन को सो दैट कि हम निडल में अच्छे से डाल सकेंगे। अब हमें यहाँ मिलता है नीडल बार थ्रेड गाइड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये छोटा सा है यहाँ पे, इसको हम दिस वन इज योर नीडल बार थ्रेड गाइड, जो कि नीडल के पास हमारा थ्रेड को गाइड करने में हेल्प करता है। अब ये हमारा थ्रेड पूरी तरह से फंस चुका है, सारी टेंशन सारा कुछ उसको मिलता रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे, अब हम थ्रेड को डालेंगे नीडल में, जो कि हमें हमेशा फ्रॉम फ्रंट टू बैक डालना है। नीडल में जो भी ओपनिंग है उसमें हमको थ्रेड को फ्रंट टू बैक इंसर्ट करना है। इसमें आपको टाइम लग सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से थ्रेड को फ्रंट टू बैक पोजीशन पे डाल के ऐसे कर सकते हैं। अभी हम थ्रेड को यहाँ पे होल्ड करेंगे क्योंकि अभी हमें बॉबिन से थ्रेड को ऊपर की तरफ लाना है, तभी जाके स्टिचिंग हमारी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, आप यहाँ पे इस थ्रेड को पकड़ें और जो हमारा हैंडविल होता है, हैंडविल की मदद से हम स्लोली स्लोली हैंडविल को अपने साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो अपनी तरफ हम जब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि थ्रेड जो है निडल में है और वो निडल नीचे जाती है, स्लोली स्लोली वो बॉबिन से थ्रेड को लेके बाहर आएगी। आपको हमेशा पोजीशन हैंडविल की अपनी तरफ ही रखनी है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, बॉबिन से हमारा थ्रेड बाहर आ चुका है। अब हम इसको बाहर की तरफ ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब ये दोनों थ्रेड जो निडल से आ रही है और जो बॉबिन से आ रही है, वो दोनों थ्रेड आप पीछे की तरफ पोजीशन कर दें और अब आप उसको कोई भी कपड़ा लेके आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब एक कोई कपड़ा ले लेते हैं जिस पे हम स्टिच करके देखते हैं कि हमारा मशीन कैसे स्टिच कर रहा है। तो ये एक कपड़ा लिया है मैंने फ्रेंड्स, और इस पे आपको मैं सिलाई करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मशीन में हमें 14 तरह की स्टिचेस डिज़ाइंस मिलती हैं। सबसे सिंपल आपको ए है, जो कि स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पे स्टिचेस हो रही हैं। देन बी आपको थोड़ी दूरी दिख रही है, सी में आप ज़्यादा दूरी पे कर सकते हैं, डी में आप जिगजैग जा सकते हैं बहुत पास पास, ई एफ, इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ से जो हमारा डायल है उससे चेंज करके आप कर सकते हैं। बाकी और भी डिज़ाइंस हैं वो हम देख सकते हैं। आपको बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कि यहाँ से थ्रेड की टेंशन हम मेंटेन करते हैं, तो अभी जो भी थ्रेड में टेंशन है 4, वो नॉर्मल टेंशन है, उससे हम कर सकते हैं। ये एक जो रिवर्स के लिए बटन होती है, इसको हम रिवर्स, अगर हम उसको जितनी देर प्रेस करके सिलाई करते हैं तो वो रिवर्स में सिलाई होती है। तो अभी हम आपको सारे ये डिज़ाइंस दिखाने जा रहे हैं इस कपड़े पे कि कैसे ये दिखते हैं, और हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो कैसे सिंपल स्टिचिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। टर मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे जो भी ये प्रेसर फुट होती है, जो कि हमने यहाँ पे ज़िगज़ैग शेप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ऊपर नीचे करती है। जब हमें कपड़े को नीचे लगाना होता है हम इसको इतना ओपन करते हैं, अगर कोई मोटा कपड़ा है तो हम उसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, बट हमें इसे प्रेस करके रखना पड़ता है और हम इसमें कपड़ा फंसा के फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जब आप एक बार करते हैं तो वो इतना ऊपर जाता है। निडल को भी आप ऊपर वाली पोजिशन पर रख लीजिए, प्रेसर फुट ऊपर है, कपड़े को फंसाना होता है हमें जहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सपोज़ हमें स्टिचिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे कपड़े को, थ्रेड हमारा पीछे की तरफ खींचा हुआ है, और हम प्रेसर फुट लिफ्टर से इसको प्रेस कर देंगे। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है तो हम इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा फुट प्रेसर है, इसको हम प्रेस करेंगे और हमारा मशीन वर्क करेगा। चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसे मैंने फुट रख लिया, मैं हल्का हल्का ही प्रेस करूँगी। अभी हमने यहाँ पे अपने स्टिचिंग डिज़ाइन में ए को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट है, तो ये हमने ए को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम ए की स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हम प्रेसर लिफ्ट से इसको नीचे करते हैं फुट लिफ्ट को। अब हम स्टिचिंग के लिए स्टार्ट हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टिचिंग। आप स्लो स्लो भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप फास्ट करना चाहें धीरे धीरे आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने ए लिया था, तो बी सी उसी तरह के डिज़ाइंस हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करते हैं, ई पे हमने सेट किया, हम ये वाला ज़िगज़ैग करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ऐसे डिज़ाइंस चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने पहले सीधा स्टिचिंग करी थी सीधे वाले डिज़ाइन की, अब हमने ज़िगज़ैग करा है, और अगर हम और चेंज करके देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एच कर लेते हैं, और अब हम इस डिज़ाइन को देखते हैं, ये डिज़ाइन भी हम सिलाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि आप अपना हाथ मिडल के पास ना ले जाएँ, दूर से रखें, और फुट जो प्रेसर है उसको भी हम एकदम हल्का हल्का ही प्रेस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जो स्टिचिंग डिज़ाइन हमने सेलेक्ट की है, हमने एच वाला सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि एक बार ज़िगज़ैग है, फिर छोटे छोटे ज़िगज़ैग्स हैं, फिर एक बड़ा ज़िगज़ैग है, एक वेव्स की तरह है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन भी हमें वैसी ही स्टिचिंग की मिली है। अलग अलग फैब्रिक पे, अलग अलग कपड़ों पे, अलग अलग तरह के डिज़ाइन हम कर सकते हैं जैसे हमारी ज़रूरत है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन स्टिचिंग के यहाँ पर डायल से चेंज करके स्टिचिंग कर सकते हैं। कपड़ा अगर सिलाई हो गया है तो फिर हम प्रेस जो हमारा फुट है, फुट प्रेसर, उसको लिफ्ट करने की बटन से हम लिफ्ट करते हैं। धीरे धीरे हम हैंड व्हील को मूव करते हुए थ्रेड को बाहर करते हैं
और दोनों जो हमारे थ्रेड हैं उनको हम कटिंग कर लेते हैं। बॉबिन से आया हुआ थ्रेड, ऊपर स्पूल से आया हुआ थ्रेड एक साथ रहता है और हम अपनी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बॉबिन में कैसे हम थ्रेड बाइंडिंग करते हैं, बॉबिन को किस तरह से हम बॉबिन केस में इंसर्ट करते हैं, और कैसे हम थ्रेड को निडल में फंसा के सारे पोजीशन गाइड्स के थ्रू करके हम कैसे थ्रेड को बाहर लाते हैं और उसके बाद हम स्टिचिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी हमने देखे स्टिच करने के लिए। सो आई होप आप ड्रीम स्टिच उषा जेनोम मशीन से अब घर बैठे आसानी से स्विंग कर सकते हैं, और ये मिनटों में आपका काम ख़त्म कर देता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फुट प्रेसर की मदद से हम इसे फटाफट सिलाई कर लेते हैं, और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस कह सकते हैं, जिसको हम अपने घर में रखते हैं और हमें काफ़ी हेल्प मिलती है बहुत सारे काम को करने के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेजिंग लिंक मिल जाएगा, हमने इसे अमेजोन से लिया था, आप भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं, डिस्काउंट्स बहुत सारे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और आसपास के लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और अगर वो सिलाई मशीन पे कैसे वर्क करते हैं, क्या कैसे हमें इसमें काम करना होता है, ये सारी चीज़ें वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी डिफरेंट तरीके की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।